एमएनटी न्यूज नेटवर्क में मैं आकृति कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूं। एक पत्रकारिता के विद्यार्थी को 2012 में नक्सली लिंक के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, उसके ऊपर कोर्ट में केस चलाई जाती है, लेकिन पुलिस उस युवक का कोई भी नक्सली लिंक प्रमाणित करने में सबूत नहीं दे पाती है। पुलिस द्वारा सबूत के नाम पर जो दिया था उसमें भगत सिंह की एक किताब और उनके विचारों से संबंधी लेख थे। कोर्ट को युवा को बाइज्जत बरी किया जाता है। साथियों, ये कोई नाटक या मूवी का प्लॉट नहीं है, यह सच्ची घटना है। कर्नाटक में पत्रकारिता पढ़ रहे एक आदिवासी युवक को 2012 में पुलिस ने नक्सली लिंक के आरोप में गिरफ्तार किया था। कर्नाटक के दक्षिण जिले के विठल मालेकुड़िया और उनके पिता लिंगप्पा मालेकुड़िया को नक्सली लिंक के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। विठल की उम्र उस वक्त 23 वर्ष थी, अभी वह 32 वर्ष के हैं और उनके पिताजी लिंगप्पा 60 वर्ष की उम्र के हैं। जिला अदालत में उन पर यह केस चली। 9 वर्षों तक पिता पुत्र ने उनके ऊपर लगे आरोपों के खिलाफ संघर्ष किया। कर्नाटक पुलिस ने 3 मार्च 2012 को आदिवासी पिता पुत्र को इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वे वहां के जंगलों में छिपे 5 नक्सलियों की मदद कर रहे थे। पुलिस ने उन पर आपराधिक साजिश, देशद्रोह और यूएपीए इन गंभीर मामलों के तहत मुकदमा चलाया था, लेकिन पुलिस इस बारे में सबूत नहीं दे पाए। पुलिस द्वारा पत्रकारिता पढ़ रहे विठल मालेकुड़िया के हॉस्टल से कुलदीप नैयर द्वारा भगत सिंह के ऊपर लिखी एक किताब बरामद की थी। इसके अलावा कई अखबारों के टुकड़े और लेख भी विठल के कमरे से मिले थे। इस मामले में सुनवाई करते वक्त कोर्ट ने कहा कि इस तरह पुस्तक पढ़ने पर न कोई कानूनी रोक है और न ही अखबार पढ़ना भी प्रतिबंधित है। मैंगलोर कोर्ट में यह सुनवाई हुई। कोर्ट ने यह पाया कि भगत सिंह की किताब और अखबारों की कटिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि विठल मालेकुड़िया पत्रकारिता विद्यार्थी होने के नाते उसने पानी गांव के लोगों को खत लिखा था, क्योंकि कुथलूर गांव के लोगों की पुरानी मांग को नेता नहीं पूरे कर रहे थे। आपको बता दें कि विठल मालेकुड़िया ने इस खत में अपने कुथलूर गांव के लोगों को कहा था कि वह उस वक्त हो रहे लोकसभा उपचुनाव का बहिष्कार करे। कोर्ट ने पाया कि ऐसा कहना माओवादी गतिविधि नहीं है। इस जानकारी पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एमएनटी न्यूज नेटवर्क को फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। एमएनटी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जनजागृति की मुहिम में जुड़े रहें।